ब्रेकअप के बाद अपनी जान लेने के चलते इस वक्त अभिनेत्री तनीषा शर्मा चर्चा में हैं। अब राजस्थान के धौलपुर से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। एक युवक ने प्यार में हारने के बाद अपनी जान लेने की कोशिश की है। गंभीर हालत में पुलिस ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां से उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। मामला धौलपुर के बसईडांग थाना इलाके के गाँव बरीपुरा का है। युवक की पत्नी उसे छोड़कर अपने पीहर चली गई है। घायल युवक की शादी करीब एक साल पहले हुई थी। युवक की पत्नी करीब दो महीने से अपने पीहर में ही रह रही है। पत्नी के पीहर में जाने से नाराज युवक ने खुद की जान लेने की कोशिश की है। युवक बस यही कह रहा है कि वो प्यार में हार चुका है। प्यार में हार चुका था। मैं अपने प्राण त्यागना चाहता था और कुछ नहीं सर, खुद नहीं। गोली खुद ने मारी थी। किसी के लिए परेशानी नहीं होनी चाहिए। वजह क्या थी? वजह सर, मैं खुद प्यार में हार चुका था। आपका नाम? गजराज। गजराज का ये भी कहना है कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। पत्नी को कई बार ससुराल लेने पहुंचा, लेकिन ससुराली जनों ने युवक के साथ पत्नी को नहीं भेजा। पत्नी की याद में उसने अपनी जान लेने की कोशिश की है। पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि गजराज शराब पीने का आदि था, इसलिए उसकी पत्नी उसे छोड़कर मायके चली गई है। उसने नशे की हालत में ही अपनी जान लेने की कोशिश की। जानकारी करने पर मालूम हुआ है कि उक्त गजराज शराब पीने का आदि था और इसी कारण से उसकी पत्नी कई महीने से अपने पीहर में रह रही थी। इस संबंध में अवैध देशी कट्टे को कब्जा पुलिस लिया जा चुका है। वारदात में इस्तेमाल होने वाले हथियार को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस ने फिलहाल आपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है। इसके अलावा पुलिस घटना के हर पहलू की भी जांच कर रही है। फिलहाल युवक हॉस्पिटल में भर्ती है और खतरे से बाहर है। राजस्थान तक के लिए धौलपुर से उमेश मिश्रा की रिपोर्ट।